आगे देखेंगे, आगे सर्किल में है, देखिए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, किसी भी सर्किल का क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। देखिए एक सर्किल है मेरे पास, इसको अगर फोर पार्ट में बांटेंगे है ना, डिवाइड करेंगे, तो दैट इज क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हम मान लेते हैं, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ है ना, तो चार क्वाड्रेंट में बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, चारों इक्वल होगा, ठीक है। तो इस सर्किल इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। तो चार इक्वल पार्ट में अगर बांटा गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा सर्किल का। आगे हम देखेंगे इसमें जो है सर्किल में, अच्छा साइक्लिक क्वाड्रेंट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इसका बहुत काम होने वाला साइक्लिक क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो आप ज्यादा समझिए, हाइट वैसे कुछ नहीं, अगर किसी सर्किल में एक क्वाड्रेंट सर्किल के चारों पॉइंट को टच करता है, मतलब एक क्वाड्रेंट का चारों बटा सर्किल पे है, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रेंट, ए बी सी डी है ना। तो क्या लिखेंगे हम, इफ फोर पॉइंट वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टचेस, ठीक है, इफ द फोर वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रेंट टचेस सर्किल, ठीक है, ठीक है, देन क्वाड्रिलेटर सेट टू बी, ठीक है, देन क्वाड्रिलेटर सेट टू बी व्हाट, साइक्लिक। तो अगर चारों बटक को टच करने वाला कोई भी मिल जाए हमको क्वाड्रिलेटरल, तो ये होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इनका एक चीज होता है, आप कुछ ट्रायंगल का सम मोनोटोनी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, आगे हम इसको प्रूफ करेंगे जब कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके बाद आगे जब कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे सर्किल में कुछ थ्योरम की, जो सेंटर पेंगल बनेगा, जो आर्क पेंगल बनेगा, उनमें क्या रिलेशन होगा, उनके बाद इसको हम प्रूफ करेंगे। तो आप अभी याद रखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी इसका होगा 180, और एंगल बी प्लस एंगल डी होगा 180, ठीक है, ये बात होता है, ये दोनों मिला 180, ये दोनों मिला 180, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। दैट इज साइक्लिक क्वाड्रेंट। आगे हम देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रेंट के बाद कुछ एंगल सबको मेजर करते हैं, कैसे कैसे निकलता है वो देखिए। मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है, और इसका एंगल थीटा है, फिर से थीटा, ठीक है। तो हमको निकालना इसका एरिया क्या होगा, इस एरिया का, इसका एरिया क्या होगा, दैट इज सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए सर्किल में पता है आपको कितना एंगल बनता है, यहाँ पे पूरा 360, तो 360 डिग्री के लिए 360 डिग्री देयर इज एरिया पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो 1 डिग्री के लिए कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, देयर फोर थीटा डिग्री के लिए क्या बनेगा, सॉरी उल्टा हो गया, नहीं सही है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो ये क्या हुआ, इफ देयर इज अ थीटा एंगल सबटेंडेड बाय अ सेक्टर दैन द एरिया विल बी थीटा इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 360, है ना। तो मान लीजिए अगर पूछा गया ये अगर 10 डिग्री का है या 50 डिग्री का है या 100 डिग्री का है, कुछ भी मान लीजिए 90 डिग्री का ये है, तो एरिया कितना होगा इसका, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा का मतलब 90 अपॉन 360, इसको आप सॉल्व कीजिए 1/4, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये इसका एरिया आएगा। पाई का वैल्यू आपको गिवन 22 बच्चे में रखना है जब तक कहा नहीं जाए, और आर का वैल्यू क्या करना, जो भी गिवन रहेगा वो रख लेना। तो ये आपका एरिया निकलेगा पाई स्क्वायर बाय 4, दैट इज एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या चीज़ है, ठीक है, सेक्टर के बाद। सेक्टर के बाद हम सेगमेंट देखते हैं, देखिए सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, सेगमेंट की बात करेंगे हम। तो आपको पता चला इसमें ये सेगमेंट होता है, ये पार्ट सेगमेंट होगा, ठीक है। इसका एरिया अगर हमको निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एरिया कुछ सूरत नहीं है, लेकिन हमको ये टेंथ में पता चलेगा कैसे निकालना है। अभी फिर भी बताते हैं क्या करना है। ये मान लीजिए पूरा एंगल थीटा है, तो इस पूरा एरिया निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाउ कैन आई फाइंड एरिया ऑफ दिस, इसका निकाल सकते हैं एरिया, एरिया ऑफ ओ ए
बी सी, तो एरिया ओ ए बी सी रीजन का क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा। अभी पता चला पूरा सेक्टर का एरिया क्या होता है, उन्होंने सिर्फ ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लीजिए, ट्रायंगल का ये पूरा एरिया में सिर्फ ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये होगा हाइट, ये होगा यहाँ से हाइट आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये आधा आधा करके हाइट निकल जाएगा। अगर आपको आर पता है, यहाँ से यहाँ आर पता है ये चीज, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से कुछ और पता होगा, ये आपको ये पता होगा, ठीक है, ये पता कर सकते हैं आप। अगर आपको थीटा पता होगा ना इस टाइप से, तो थीटा बटू करके साइन थीटा करके निकाल जाएगा। आपको अभी नहीं पता साइन थीटा कोस थीटा कैसे लगाना है, वो टाइप में आपको पता चल जाएगा कैसे लगाना होता है, ठीक है। बस आप अभी ये समझिए, अगर मान लीजिए एक्स आपको ये है तो ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, ये एच कैसे निकालना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके आपको निकाल दिया एच स्क्वायर, इससे एच का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लगा लीजिए, बेस एच टी हो जाएगा, हाइट एच हो जाएगा यहाँ पे, तो ये निकल गया आपको इसका एरिया। ये पूरा एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे तो आपको निकल जाएगा एरिया ऑफ यहाँ पे सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ये सेक्टर क्या है, ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ दिस पार्ट ट्रायंगुलर पार्ट ट्रायंगल ओ ए सी, तो ये आप कर लीजिएगा तो आपको ये निकल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला है टेंथ में, और भी फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हमको बस इतना ही जानना है नाइन्थ में, ठीक है। आगे इस पर कोई भी सवाल नहीं मिलने वाला हमको नाइन्थ में, ठीक है, इसलिए हम इसके आगे नहीं जा रहे। ओके, आगे हम चलने वाले हैं इस पर, देखिए कुछ थ्योरम है सर थीम है ना, उसको कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है। इससे पहले एक बात समझ लीजिए, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होता है जब दोनों का रेडियस सेम होता है, ठीक है। अगर दो सर्किल दोनों का रेडियस सेम हो तो देन सर्किल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट सर्किल, ठीक है। दिस ओ, दिस ओ, ठीक है, ओ ओ डैश मान लीजिए, ये आर है, ये भी आर है, दोनों इक्वल है, ये भी पांच, ये भी पांच मान लीजिए, तो दोनों सर्किल होगा कॉन्ग्रुएंट है। तो आप नॉट प्रोडक्ट लिख लीजिए, ये क्या होगा, इफ द रेडियस ऑफ टू सर्किल, रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट समझते हैं ना, एक दूसरे को कवर कर लेगा है ना, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों सर्किल का रेडियस बराबर होगा तो दोनों क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, ये बात आपको समझ रखना है। अब इसको मिटा रहे हैं, आगे आगे देखिए क्या है, थ्योरम देखते हैं पहला है ना, कुछ थ्योरम है। अब देखिए इससे पहले हम देख चुके थे क्या, इससे पहले हम ये देखे थे कि दो सर्किल का रेडियस इक्वल होगा तो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं इक्वल कोण होगा, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखिए थ्योरम मान लीजिए पहला ही है, इक्वल कोण, हाँ सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, मतलब क्या हुआ कि देखिए इसको समझिए, दो कोण इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल कोण है, ये ए बी ये सी डी अलग अलग कोण है और दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों का जो एंगल बनेगा सेंटर पे, ये मान लीजिए एक्स बन रहा है एंगल और ये मान लीजिए इससे वाई बन रहा है, दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब एंगल एक्स जो है एंगल वाई के बराबर होगा। ये प्रूव करने हैं कैसे, देखिए प्रूव करते हैं हम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रूव है, आप लोग देखते हैं ये बनते जाएगा। इसको इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, देखिए आपको पता है सर्किल का रेडियस बराबर होता है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, सारे रेडियस सेंटर से सर्किल पे किसी भी पॉइंट पर टच करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना। ये लाइन सेगमेंट को टच करने वाले ये सेंटर से किसी भी सर्किल पे जो कोई पॉइंट है उसको टच करेगा रेडियस बन जाएगा वो, ठीक है, आपको ये पता है। तो इसका नाम ले लेते हैं ओ, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, इसका नाम सी ओ डी रख लीजिए, सी ओ डी, इन दोनों में देखिए क्या चीज मिल रहा है आपको, ये बी ओ बराबर क्या है, बी ओ बराबर ओ डी है और ये रेडियस बराबर है। इस ट्रायंगल देखिए ए ओ जो है इसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, ये भी रेडियस बराबर है, बाकी ए बी बराबर हमको दे रखा है सी डी, इक्वल कोण है, इक्वल कोण दोनों इक्वल है, ए बी बराबर सी डी गिवन है मेरे पास। तो बताइए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ,
किससे हुआ, साइड सर साइड से, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इक्वल टू कोंगेट ट्रायंगल सीओडी बाय एसएसएस कोंगेंसी से, और देयरफॉर अगर ये ट्रायंगल इसके कोंगेट हो गया तो देयर विल बी एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई हो गया, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम सेकेंड शो में, देखिए क्या है, कहाँ से बोलिए ये पार्ट, एंगल नहीं ट्रायंगल है, ट्रायंगल तीनों चीज अभी बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये तो पहले बता चुके हैं, तब तीन चीज बराबर होता है, साइड या तो साइड या तो एंगल, दो साइड या तो साइड एंगल साइड, कांग्रेसी का तीन चीज बताए आपको, एस से एस होगा या फिर आर एस एस होगा या फिर एंगल एंगल साइड होगा या फिर एक ही बात हुआ एंगल साइड एंगल या फिर एस 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 होगा, ठीक है। ये अगर आपको ऐसा मिले जब भी तो क्या बोलते हैं हम ट्रायंगल कोंगेट, ऐसा जब भी होता है कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर तो ट्रायंगल कोंगेट होता है, ये कांग्रेसी में ही पढ़ा चुके हैं, है ना। ज्यादा आपको दिक्कत है तो आप वीडियो देख लीजिए, रखा हुआ है यूट्यूब पे। ये तो पहले थ्योरम, हम सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड में क्या दे रखा थ्योरम में, देखिए इफ द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय टू कोण्स आर इक्वल देन, ओके देखिए इसमें सेकेंड थ्योरम क्या कह रहा है, ठीक है, इफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय टू कोण्स आर इक्वल देन प्रूव दैट कोण्स आर इक्वल। अभी जो पढ़ाया था थ्योरम उसका ठीक है कन्वर्स उल्टा है, उसमें क्या था कोण इक्वल था तो हमको क्या करना था एंगल इक्वल करना था, यहाँ पे एंगल इक्वल है कोण इक्वल करना है बस, ठीक है। सर्किल लेते हैं हम यहाँ पे ए बी सी डी, अलग अलग कोण है यहाँ पे, ये एंगल बना रहे हैं यहाँ पे सेंटर पे और ये बना रहे यहाँ पे, मतलब तो ये एंगल एक्स है ये एंगल वाई है, सॉरी ये भी एक्स है, दोनों बराबर दे रखा, ये सब आपस में बराबर होंगे रेडियस का सब। तो आप बताइए यहाँ पे इन ट्रायंगल प्रूफ में देखें, प्रूफ पे क्या ज्वाइन कर देना आपको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिए, ट्रायंगल बन गया इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में, तो बी ओ बराबर क्या है ओ डी और ए ओ बराबर क्या है ओ सी, हाँ बोलिए, हाँ बी ओ सी ट्रायंगल का नाम है बी ओ सी लिखिए बी ओ ए होगा ना, बी ओ ए होगा, हाँ बी ओ ए होगा, ठीक है बी ओ ए को देखिए ये होगा ट्रायंगल और सी ओ डी के सी ओ डी ये ट्रायंगल, ठीक है आप अब ठीक है बी ओ ए ये ट्रायंगल और सी ओ ए ये ट्रायंगल, ठीक है बी ओ बराबर ओ डी, बी ओ बराबर ओ डी, ये बराबर ये दोनों का साइड, ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी है दोनों का साइड, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, ठीक है। एक एंगल है एंगल ए ओ बी, दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है मेरे पास जी आई बी है गिवन, देयरफॉर देखिए साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड बराबर है, सो ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, अब किससे हुआ ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड, अब अगर ये बराबर हो गया तो ए डी बराबर क्या हो गया सी डी, किससे सीपी सी डी से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वर्ट है इक्वल होता है, तो ये मेरा हो गया, ठीक है प्रूफ, ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये बात, ओके चलिए हम चलते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखिए थर्ड थ्योरम क्या है, ओके दो आर्क इक्वल है ओके, अब ठीक इसमें क्या क्वेश्चन है थ्योरम थर्ड में, ये तो इसलिए है कुछ नहीं है ना, बस समझ लें दो आर्क इक्वल है तो क्या होगा यहाँ पे उसका कोड जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग कोड इक्वल होगा, ये आपको पता करना, ठीक है ओके। तो फिर देख लीजिए ठीक है यहाँ पे दे रखा है इफ टू आर्क ऑफ अ सर्किल आर कोंगेट देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कोण्स आर इक्वल, ओके इफ टू आर्क ऑफ सर्किल आर्क आर्क्स है ऑफ सर्किल एक सर्किल का आर इक्वल देन their corresponding chords are equal,
ये चीज आपको प्रूव करना है ना। तो क्या हुआ, दो आर्क जो इक्वल है किस सर्किल का, उसका कोरस्पोंडिंग कोण जो होगा वो इक्वल होगा, ये कैसे प्रूव होगा देखिए। तो उसमें आपको एक चीज समझना क्या है, कैसे समझना है, देखिए ये आर्क मान लीजिए यहाँ से यहाँ ए से बी ये इक्वल है ये, और इधर मान लीजिए सी टू डी ये इक्वल है, ए से बी और सी टू डी इक्वल है, इसको ज्वाइन कीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, ध्यान समझिए आप। तो इक्वल आर्क है तो एंगल भी इक्वल बनेगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन इस पर कवर कर लेगा, ये इसको कवर करेगा, इसको कवर करेगा, तो ये एंगल अगर थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा, एक ही समझिए यहाँ पे क्या, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल आर्क सेंटर, इक्वल आर्क होगा इक्वल एंगल बनाएगा सेंटर पे, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे टोटल आर्क, यहाँ पे टोटल लेंथ हो गया था, ये भी पांच, ये भी दो है, ये भी दो है, तो दो दो का जो एंगल बनेगा, ठीक है, इक्वल तो बनेगा, क्यों, देखिए एक सर्कल को बांट दिया है चार पार्ट में, ये 90 90 90 90 हो गया 90 90, तो ये आर्क चार इक्वल पार्ट है, तो ये दोनों आर्क का एंगल बराबर होगा ना, ये भी 90 है तो ये भी 90 बन रहा, ये दोनों का भी बराबर होगा 90 90, तो देखिए इक्वल आर्क क्या इक्वल एंगल बना रहा है ना, इक्वल आर्क इक्वल एंगल बनाता है, ये बात आपको समझना है ना, तो इक्वल आर्क फॉर्म्स इक्वल एंगल, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट देखिए इसमें आगे क्या करना है हमको, बस आगे बना देना है यहाँ पे ये और ये, और ट्रायंगल को कॉमेंट कर देना है। ओके नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पे वो रख लीजिए एंड ए सी ओ डी में, हाँ तो क्या होगा यहाँ पे मेरे पास ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ डी, कुछ ले लीजिए ओ डी ओ सी इसी बात को, एंड बी ओ इक्वल टू ओ सी, ये सब आर के बराबर है, एंड एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्योंकि ये बात समझ में आई यहाँ पे इसलिए, ठीक है, ओके हाँ बी ओ बी ओ ए, हाँ सही होगा बी ओ ए होगा, बी ओ इक्वल टू सी ओ डी, ठीक है, अब ये बराबर हो गया, क्यों, इक्वल आर इक्वल एंगल सब प्रिंट करता, देयरफॉर ट्रायंगल ए, हाँ ये ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई एस ए एस, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ए बी सी डी बराबर हो गया, ये हो गया प्रूफ। तो इक्वल आर्क जो है इक्वल कोड को बना के रखेगा, इक्वल आर्क इक्वल कोड बनाता है, ये भी बात हमको समझ में आई। अब इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, कहीं भी अगर पढ़ना होगा, कहीं भी थ्योरम होगा उसका डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे। आगे देखिए इसका फोर्थ में क्या थ्योरम, थ्योरम क्या है मेरे पास, लिखिएगा थ्योरम जो भी है नेक्स्ट वाला पढ़ाएगा। ओके क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान आपको रखना है ना, इसका बहुत काम होने वाला है। ये भी देखिए परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा किसी भी सेंटर से कोड को बाइसेक्ट करेगा, कैसे बाइसेक्ट करता है, कहना क्या चाह रहा है ये देखिए, मतलब ए बी जो है ना दो इक्वल पार्ट बढ़ेगा, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे ए एम बराबर एम बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए एम इक्वल टू एम बी होगा, ठीक है, ये प्रूव करना हमको। तो देखिए इन टू एंगल यहाँ लिखेंगे इन टू एंगल परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर 90 घंटा ए एम डी ए एम ओ ओ ए एम ओ, क्या बोले उसमें कुछ इससे पहले जो था ना सब इसका उसी का था, अभी जो बताए थे ना इससे पहले है ना वो उसी का मतलब सेम कन्वर्स था, ठीक है, उसी छोड़ दिया, उसमें कोई दम नहीं था, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट छोड़ है उसको हम बताते हैं, जो एक ही से रिलेटेड दो तीन है ना उनको छोड़ रहे हैं ना, क्योंकि उनमें कोई काम नहीं, जो उसका उल्टा था, जैसे अब फिर उसमें होता कि मतलब वो इक्वल है आर्क इक्वल होगा वही बताना था, तो फिर वही हिसाब से कॉन्ग्रेट करना था, इसीलिए उसमें कोई ज्यादा काम नहीं था ना करने के लिए, बात समझ आई। ओके तो यहाँ पे क्या करना हमको, यहाँ पे ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ है ना, ट्रायंगल बी एम ओ, ठीक, देखिए इस ट्रायंगल में ये दोनों बराबर है, एंड इक्वल टू आर, तो ए ओ इक्वल टू ओ बी,
ये होगा। उसके बाद देखिए OM इक्वल टू OM, दोनों में कॉमन है, ये रेडियस बराबर और ये कॉमन है, और ये 90 है दोनों में। एंगल AMDO इक्वल टू एंगल BMO, ये BMO AMO बराबर हो गया, बराबर कितना ये 90 के। तो देखिए ये दो ट्रायंगल कैसे कोमेट होता है, RHS से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। सो ट्रायंगल AMO कोंगेट टू ट्रायंगल BMO बाय RHS, और ये कांग्रेस से आपको पहले पढ़ा चुके हैं, इसका प्रूफ बता चुके हैं कैसे होता प्रूफ। तो ये दोनों बराबर हुआ, बराबर हुआ तो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से AM इक्वल टू MB बाय CPCT, CPCT। अगर आप लोगों को ज्यादा फास्ट लग रहा है तो वीडियो को आप लोग फॉलो करके देखिए, ठीक है, आपको जल्दी समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो AM इक्वल टू MB प्लस प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अगर एक परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से याद रखिए कभी भी ड्रॉ किया जाएगा किसी भी कोर्ट पे, तो कोर्ट को बाइसेक्ट कर देगा, दो इक्वल पार्ट मार देगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके चलिए ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरम में। इसका कन्वर्स है, आगे कन्वर्स देख लीजिए, कन्वर्स में क्या देखा थ्योरम 7 में, ध्यान दीजिए इसका कन्वर्स क्या है कि अगर कोर्ट इक्वल पार्ट में बढ़ रहा है तो लाइन परपेंडिकुलर होगा, ये बात आपको समझना है, ठीक है। क्या तो लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्टेड एट द कोर्ट परपेंडिकुलर टू द कोर्ट, तो ये कह रहा है आप देख, इसका ठीक उल्टा है, देखिए आप देख तो नहीं रहे, आपको बता रहे क्या करना है आपको, इसका उल्टा क्या है आपको, एक कोण होगा ए बी, सेंटर से डाला गया लाइन, ये आपको क्या कह रहा है दो पार्ट में बट रहा है, दो पार्ट बट रहा है मतलब ए एम बराबर एम बी है, ए एम बराबर एम बी गिवन है, तो आपको बताना क्या है कि 90 होगा, है ना, ये एंगल जो है 90 होगा, प्रूव करना है आपको। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, आपको ध्यान से देखिए कैसे इसको प्रूव करें। देखिए आपको एक बात समझना क्या है यहाँ पे कि ये AM बराबर MB है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये होगा, और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, तीसरा पार्ट दोनों में है। तो देखिए ये ट्रायंगल कोंगेट किससे हुआ, ऐसा सब साइड 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 से, तो अगर बराबर हो गया तो ये एंगल बराबर ये एंगल, इसको अगर x ये भी x होगा तो 2x बराबर 180 होगा ना, ये लीनियर पेयर है, तो x कितना 90, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ये 90, ये 90 बनेगा। और वही हमको प्रूव करना था, आप कर सकते हैं इजीली वे में, इसको कुछ है नहीं, इसलिए आपको कुछ छोड़ रहे इसको, नेक्स्ट थ्योरम पर हम जा रहे हैं। क्या कि पता नहीं कितना टाइम हो गया रे, टाइम देखो कितना हो, 4:45, चलो ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम कौन है मेरे पास, 4, 5, 6 आगे थ्योरम देखिए, द परपेंडिकुलर बास्केट ऑफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। ओके देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, अच्छा थ्योरम देखिए छोड़ा में कौन सा थ्योरम होगा देख लीजिए, आपको 5 होगा, देख लीजिए जो भी थ्योरम होगा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या देखा टू कोर्ड्स इंटरसेक्ट एट सेंटर। ये अच्छी बात है, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, ठीक है, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगा। कैसे इसको प्रूव करें देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो कोड है, ये और ये, ठीक है, बात समझ आई, ये दोनों कोड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, दोनों सेंटर पे ही जाएगा, हमको ये प्रूव करना है। तो हम क्या करें, मान लेंगे कि ये सेंटर पे नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना मतलब आपको ये बात तो पता होगा, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये सेंटर से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ओके इसको अगर आप मिलाना भी चाहे तो मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ, इससे पहले प्रूव किए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा सेंटर से वो इसको दो पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ नहीं सेंटर हो गया, सेंटर यहाँ कहीं होगा, सेंटर को हम उठा के यहाँ पे कर दिए, ठीक है, इसको थोड़ा लिखना है स्टोरी और कुछ नहीं है, है ना, इसमें जो दिया है कॉन्ट्राडिक्शन मान लेना, मतलब उल्टा मान लेना उसके, ठीक है, थोड़ा सा अलग मान लेना है। और देखिए ये जो सेंटर है ओरिजिनल सेंटर वो था, ये शिफ्ट होकर यहाँ पे ओडेस आ गया। अब मेरे पास एक केसेस बनाएंगे, या तो ये सेंटर से पास होगा, ठीक है, या तो ये सेंटर से पास नहीं होगा। अगर ये सेंटर से पास नहीं हुआ तो देखिए ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है, आपको पता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 से पास होती है, ये 90 से पास होगी, या तो ये 90 बनेगा या तो ये 90 बनेगा। फिर देखिए ये पूरा यहाँ से जो है, पूरा यहाँ से एंगल है ये
ये x है ठीक है, और ये भी पूरा यहाँ से यहाँ x है, मतलब 90 ठीक है। ऐसा समझ इसको हम यहाँ पे बनाते हैं बड़ा करके। देखिए एक लाइन यहाँ पे गई ये, और एक लाइन ऐसे गई ये ठीक है। ओके आपको ये बात समझना क्या है, समझाते इसमें ये एंगल ये एंगल, क्लियर ये बात। ओके या तो देखिए या तो ये एंगल ये पूरा एंगल अगर 90 है, ये पूरा अगर 90 है ठीक है, तो ये 90 नहीं हो सकता है, ये 90 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक लाइन से दो एंगल 90 हो सकता है क्या, दो 90। इसको अगर 90 होना है तो या तो इसको इधर आना पड़ेगा, इसको इधर जाना पड़ेगा 90 होने के, दोनों को एक ही लाइन बनाना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक ही 90 हो सकता है। या तो अगर ये 90 होगा तो ये 90 नहीं होगा, दोनों को एक ही हो सकता है 90। तो ये बात हमको इसमें समझ आता, तो दो में से कोई एक ही लाइन 90 हो सकती है, तो दोनों में से कोई एक ही लाइन पास होगी, तो दोनों में से अगर कोई एक ही लाइन पास होगी तो कहाँ सेंटर पे मिलेगी, क्योंकि हमको पता पर्पेंडिकुलर बाइसेक्शन होता है सेंटर से पास करती है ना। ओके या तो आप ऐसे समझिए, या तो एक और बात है समझाने के लिए वो भी समझाते हैं। ओके नहीं ना कोई अब है ना, अभी जो बोल रहे थे एक सर्किल है, एक ये है एक ये है, ए बी सी डी, यहाँ पे क्या ओ ऐसे पास कराना हमको, यहाँ से मिला दिया ऐसे ऐसे मिला दिया ठीक है। और हम क्या माने कि मान लीजिए ये मेरे पास पर्टिकुलर बाइसेक्टर है, ये 90 यहाँ नहीं, ये पर 90 यहाँ बना रहा है और यहाँ 90 बना रहा, तो सेंटर शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ चला गया, एम होगा और ये एन होगा, ये ओ और ये ओडा। तो हम क्या मानते हैं कि थोड़ा सा इसमें लिखना है, आप लिख लीजिए कोशिश कीजिए थोड़ा कष्ट कीजिए लिखने का ठीक है, प्रूफ में बाकी तो नहीं लिखते इसमें लिख लीजिए। We know that the perpendicular bisector of a chord, ठीक है, passing through center, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं क्या Now, क्या माने हम इफ एंगल ए एन ओ ए ए एन ओ की बात करें, इफ दिस इक्वल टू 90 डिग्री ठीक है, ए एन ओ को 90 बनाए एंड एंगल ए एन ओ डर ओडर ये भी 90 हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है 90 ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा, O order ये N O या N O और N order should be lie on the same line, lie on same line, इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है, दोनों same line पे आ गए, या तो इस पे आ जाए या तो इसको इस पे आ जाना चाहिए, तभी तो ऐसा हो सकता है, but it is not happening so, तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो कोई एक ही बनेगा मेरे पास क्या, कोई एक ही जाएगा सेंटर से, तो आदर ओ ओडा सॉरी एन ओडा और एन ओ व्हील पास थ्रू सेंटर, पहली बात। दूसरी बात क्या करें, इसमें सिमिलरली इधर से वही काम करेंगे, तो दोनों में कोई एक सेंटर पास होगा, तो दोनों में कोई एक सेंटर पास होगा, तो क्या होगा, ये तो यहाँ इसको यहाँ आना पड़ेगा, या तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा, तो देखिए अगर ये यहाँ आ जाए तभी ये लाइन यहाँ दोनों मिलेगा, और ये यहाँ चल जाए तभी ये लाइन दोनों मिलेगा, है ना। सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं फिर आगे लिखते हैं। सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे, एम ओ ठीक है और एम ओ डैश विल लाई ऑन सेम लाइन ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं दे विल मीट एट सेंटर, क्यों, या तो ये सेंटर या तो ये सेंटर होगा, दोनों में कोई एक जगह होगा, तो एक सेंटर होगा जहां इसका सेंटर होगा वहीं से और यहीं से लाइक करेगा, है ना, और अगर ये लाइक किया तो क्या होगा, दोनों सेंटर से पास करेगा, तो दोनों सेंटर पे मिलेगा। तो किसी भी ये चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी भी
कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी भी हो वो सेंटर से ही पास करता है ना, सेंटर से ही पास करेगा। ये बताइए समझ में आपको? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कितना नंबर होगा? सिक्स। ठीक है, देखिए इक्वल फोर्स जो होता है इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर, है ना, उसको लिखेंगे इक्वल फोर्स। हाँ, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सर्किल फ्रॉम सेंटर, ठीक है। इक्वल कोड की हम बात करेंगे, इक्वल डिस्टेंस होगा सेंटर से, मतलब कहने का ये हुआ आपको यहाँ पे, ठीक है। इक्वल कोड की बात करेंगे हम यहाँ पे, ये कोड और यहाँ पे ये कोड, ये दोनों जो है मान लीजिए इक्वल है, चाहे दोनों इक्वल है, सेंटर से भी इक्वल होगा। मान लीजिए यहाँ सेंटर है तो दोनों इससे बराबर दूरी पे होगा। कैसे पता करें? देखिए कैसे पता करें, तो पहले क्या करें, यहाँ पे बनाना चाहे ए बी सी डी, मेरे पास दो कोड्स है, दोनों का डिस्टेंस सेंटर से बराबर होगा, ये कैसे पता करेंगे आप? कर सकते पता, क्यों नहीं कर सकते? इसका नाम अगर रख दें हम एम, इसको नाम रख दें एन, ठीक है। तो हमको ओ एन बराबर क्या प्रूव करना, ओ एन इक्वल टू ओ एम, ये प्रूव करना है, क्योंकि दोनों बराबर दूरी पे ही तो है, ओ एन और ओ एम बराबर है, मतलब ये दोनों का दूरी बराबर है। दूरी कैसे नापते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाइए किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी पॉइंट से, किसी पॉइंट का डिस्टेंस मापना है तो वहां से उसका परपेंडिकुलर बना दीजिए, डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, ये तो होता है। ओके, अब तो ये क्या, ये आपको आर है, ये भी आर है ना, बात समझ आई? ओके, ए बी डी सी के बराबर है, ठीक है। प्रूफ में देखिए क्या है, प्रूफ में देखिए क्या है मेरे पास, ए बी, हाँ ए बी इक्वल टू क्या है मेरे पास, इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो ए बी और सी डी ये क्या है मेरे पास, देखिए परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है आपको पता है ना, जब भी परपेंडिकुलर होगा किसी भी कोण से तो बाइसेक्ट भी करेगा, ये इसके बराबर ही होगा, पता है आपको, है ना। तो इसका अगर आधा कर दो, ए बी का आधा और सी डी का भी आधा, ए बी का आधा क्या होगा डी एन, और ये किसके बराबर, सी डी का आधा डी एम, बराबर होगा डी एम बराबर डी एन। अगर ये बराबर है तब इसको क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, मान लीजिए ये भी x हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नाउ अब क्या करना है हमको, देखिए ट्रायंगल बी एन ओ में पाइथागोरस लगा लीजिए। पाइथागोरस आपको पता है क्या होता, ओ एन का स्क्वायर, ये ओ है यहाँ पे, ओ है यहाँ पे, ओ एन का स्क्वायर जो होगा ये, हाँ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होगा 90 के सामने वाला स्क्वायर बी यू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अच्छा बी यू क्या आर है, इसको आर लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट्स इक्वल टू, सॉरी 90 वाला के सामने का स्क्वायर होता है ये दोनों सम, आर ये आर स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ऐसा होता है, ये होता है, पता चला 90 के सामने वाला स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होता है, ठीक है। बेस हाफ और हाइट का स्क्वायर दैट इज 90 का स्क्वायर, 90 के सामने वाला स्क्वायर, मतलब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है, ऐसा होता है। इस ट्रायंगल लगा दिए, दूसरा इसमें लगा लीजिए ओ एन डी में ना, ओ एन डी में ट्रायंगल ओ एन डी में पाइथागोरस लगाते हैं, क्या होगा आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इससे एक और निकाल लीजिए, यहाँ पे ओ एन का वैल्यू निकाल लीजिए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना ओ एन स्क्वायर, ठीक है। क्या समझ में आई, इधर एक्स प्लस में था इधर गया तो माइनस में आ गया, है ना, बाकी तो वही चीज है। अब उसमें लगा लीजिए क्या आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। हालांकि ये देखिए प्रूफ हो जाता आपको कॉन्ग्रेट करके भी, लेकिन हमको कॉन्ग्रेट करके नहीं लाना था, कुछ और मेथड सीखना था। देखिए ये और ये दोनों, ये देखिए ये पार्ट इसका एल एच एस दोनों का बराबर है तो ये भी बराबर होगा, देखिए आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है इन दोनों, तो ये भी दोनों बराबर होगा ना, तो कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू से ओ एन स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर बराबर होगा। अब ये बराबर से रूट कर लीजिए तो ओ एन इक्वल टू ओ एम, देखो ओ एन को बराबर हो गया, रूट कर लिए तो दो तरफ स्क्वायर था, रूट कर लीजिए। अब ये बराबर हो गया तो क्या कहेंगे हम, बराबर हो गया ना दोनों,
ये बराबर ये हो गया, इक्वी डिस्टेंस हो गया, जो भी प्रूव करना चाहूंगा ना। सो लिख सकते हैं, सो इक्वल कोड आ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहां तक समझ आया आप लोग को ये बात? ओके चलते फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें क्या है।